मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। दादा तो इतना गार्जियन खर्चा करते हैं, खेत बेच के दे देते टेक्नोलॉजी। मेरा बेटा कम से कम टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत बड़ा आईएएस बन जाए। अब अध्यात्म एक विज्ञान है कि अंदर सोई हुई क्षमताओं को जगाकर भरते हुए मार्ग से प्रकाश की तरफ ले जाता है। जिस अंधकार के दलदल में इंसान भसता चला जाता है उससे निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाता है, उसको अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। हम लोग सुनते रह जाते हैं, वही संस्कार सारा
करता है, लोग पूछता है अरे तू संस्कार सारा भी करता था, पढ़ाई भी करता, कैसे मेंटेन करता था। सुदामा कभी कहे इस से कहे नहीं, जो हमारे भाई समर्पण से काम करते हैं वो कभी करते नहीं है, उन्हें कभी मांगने की जरूरत नहीं है, ये दर्द जानते हैं और सोच किया इस जीवन का अगर भार तुम्हारे हाथों में तो ये जानते हैं कि इस जिंदगी का भार क्या है, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, ये हाथों में जीत है, हार तो होती नहीं इस दरबार में, हारता तो गायब है और इनका कुछ गायब होता ही नहीं है, हारते तो है तू कर नहीं इनसे छोटा है वो तू कर करना है तो सब देता है, हारता तो डर को है इनसे जो छोटा है वो सीधा तो जाता है, हारे ना कैसे ये होती है प्रकृति लीला, एक आंचल उठा के अगर कोई छुट्टी देती है तो वो आंचल इतना सारी उनके आता है कि कृष्ण राज बचा लेते हैं, एक साधु के राज बचाने वाली स्त्री का भगवान आकर राज बचाते हैं, आपने अगर सही दिल से समर्पण करके युवा मंडल की लाज को बचा ली इसका राज एक ही है, यहाँ आने वाला नौजवान का कोई उंगली न होगा, कोई ये न कहे कि नौजवान युवा मंडल में बिक रहा और देखो अभी रास्ते पर क्या कर रहा है, इसकी मर्यादा को इन्होंने रख लिया, इनकी लाज ये होता है और यहां से ये मिलता है, इतनी समर्पण होती है यहां, और घर में अपना भाई आप अगर गिरिएगा तो नहीं उठाता है, अपनी युवा मंडल की एक खासियत है, यहां हर भाई एक दूसरे को सहारा देने के लिए तैयार रहता है, ऐसे करिएगा तो ऐसे आपका कैरियर बन जाएगा और ऐसा बंदा चला जाएगा, ये होती है। ये होती है इनकी लीला, अजीब टाइप से बनता चला जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारता चला जाता है। आज कितने भाई पहले नहीं आए हैं युवा मंडल में वो हाथ ऊपर करेंगे,